मैं यार ये तुम्हारे को कॉलेज में प्रॉम के पूरी तरह लिखा होता है आप लोग मैं के रजिस्टर पत्रिका निकाल कर देखते हैं शायद मैं समझता हूं वो मई या अप्रैल या मई की तो उसमें पत्रिका में गुरुजी का पत्र था कि अब आपको कॉलेज में कार्य सौंप कर जा रहा। मैं आपको कहता हूं मैं गुरुकृपा से गुरुजी ने कुछ भी किया होगा आगे किया होगा गुरुजी के पीछे रोशन तत्व था और गुरुजी बच्चों को क्या कहना चाहते थे ये तो मैं नहीं जानता लेकिन ये जानता हूँ ये जरूर कहता हूँ कि मैं बड़े आखिरी क्षण तक बूढ़ा ना हूँ जवान ही रहूँ और आपका ये योगदान करके ही मरूँ मैं गुरु कार्य करते हुए गुरु कार्य करके ही मरूँ आपको मैं आज से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ सिर्फ मेरे देश में इकट्ठे हुए अगर पैसों को देने के बारे में सोचो सिर्फ मेरे उस उद्देश्य को सोचो कि मैं गुरु मंदिर बनना चाहता हूँ और गुरु मंदिर भव्य हो आप सब लोग उसमें भागीदार हो और आप सब लोग उस मंदिर को देखें और आने वाला कल कहें कि ये साधना स्थल है। आज भी पूरे भारत में कोई कहा कोई कहते हैं तो अगर कोई डॉक्टर नारायण सिंह या निखिल स्वामी जी का साधना स्थल है तो इतने जी का धन्यवाद है। मैं अब कहता हूँ कि आज कल के दिन मेरी यूनिवर्सिटी हो या अयोध्या यूनिवर्सिटी हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या मैं आरोग्य धाम बंद हूँ वो आने वाले कल के लिए होगा और आने वाला कल गुरुजी को याद करें तो मुझे भी याद जरूर करें और मैं उस सामर्थ्य के बताना चाहता हूँ असमर्थता से नहीं। मेरी एक इच्छा है मेरे को कितने भी करता है प्रभु मैं आपकी शरण ना छोड़ूँ और मैं कहता हूँ जिस दिन गुरु के बाद में कही कि मैं मरा जिंदा रहा अच्छा हुआ बुरा हुआ आप ही मेरे गुरु है तो गुरु जी मेरे साथ में खड़ा हो उंगली पकड़ कर कहते कि तू गया और ये तू मेरा है कहने के लिए 11 साल लगे गुरु जी तो ये कहने के लिए कि तू मेरा है। और आज जब उन्होंने कहा कि मैं सुनता हूँ तो आज मुझे पीछे भटके देखना नहीं पड़ा आज भी कष्ट भोगता हूँ आज मुझे है तकलीफ है लेकिन कभी हारना नहीं हूँ दौड़ता हूँ जो कदम पीछे पड़ा पीछे गया तो चार कदम आगे छलांग मारता हूँ जिसमें गुरु कृपा है वो शक्ति मैं आपको चाहता हूँ किसी शक्ति आपको भी प्राप्त आप उसे समय बहुत हो गया लेकिन लास्ट इसमें एक मैं समझता हूँ जनवरी 1996 या 1996 दिल्ली में एक ही कार्य हो रहा था शिष्टा जी साम्राज्य जब की शिक्षा हो गई थी और गुरु जी प्रवचन देने बैठ गए सुबह के 4 बजे सुबह के 4 बजे मैं आपको 4 बजाने नहीं देता क्योंकि अयोध्या स्वामी है पूरे सुबह उनको 4 बजे उठना होता है उतना समय तो मैं नहीं देता एक फिर भी चाहता हूँ कि हम जब मिले हैं तो हम प्रेम के साथ मिले प्रेम के साथ रहें और प्रेम के साथ ये सारी चीज़ें पूरी पहले अभी आपको ये कहता हूँ कि एक शिष्य से दूसरा कराऊंगा पर कल सुबह फर्स्ट जनवरी है 9 बजे एक ऐसा हवन करवाऊंगा जो कि आप इस वर्ष भर में जितनी भी साधना किसी भी देवता की साधना की हो कोई भी साधना की हो उसको 9 बजे एक माला का हवन करवाऊंगा सभी लोगों के साथ आपने जितने भी मंत्र चाहे गुरु मंत्र हो तारा साधना हो कोई कोई भी साधना की हो उसका एक ही मंत्र के साथ तुम्हारे सारे मंत्रों का फल एक ही हवन में देता हूँ आपने चाहे अपने कर्मचारी की स्वप्नवाराण की होगी माता की तारा कुछ भी किया होगा मंत्र उस मंत्र का एक मंत्र से ही हवन होगा और वह 9 बजे में आरम्भ करूंगा और 11 बजे और 11 बजे आरम्भ करने के बाद मैं आपको एक कलश युक्त बंधन दूंगा आपके घर में एक कलश स्थापित करना है और उस कलश को मैं जो बंधन देता हूँ कंकड़ बांधना है और उसके ऊपर विजय के रूप में एक तिलक देता हूँ रखना है उसको 40 दिन मैं जो मंत्र बोलता हूँ वो करेगा और अपने घर में रखेगा और उस कलश का पानी घर में छिड़क देगा और उस कंकड़ को कलश को वैसा ही रखेगा जब भी घर में संकट आए इस वर्ष आप कभी भी आपको पैसा चाहिए आपको कोई भी चाहिए उस तिलक को आपके गले में पहन लो और उस कंकड़ को कलश को बांधो कलश को पानी डाल दो और घर में पानी छिड़क दो छिड़क दो और जो मैं मंत्र कर ले रहा हूँ सुबह दूंगा वो मंत्र जो आपकी ऊपर कैसी भी समस्याएं आए कोई भी शुभ समस्या हो आरोग्य की समस्या हो और कोई भी समस्या हो उस कलश में पानी भर दे जिस कलश को मैंने कंकड़ बांधा है और उस कलश का जल को घर में छिड़के या आप स्नान करें तो आपकी समस्याओं का समाधान मिले चाहे कितनी भी वो समस्या शत्रु भी क्यों ना हो कोई किसी प्रकार का रोग भी क्यों ना हो आप उसके साथ बांध जाएंगे आपको कोई कर्ज से छुटाना हो कर्ज से छुटाना हो या कोई दुख से दुख देना हो या कोई शत्रु सताना हो तो केवल उस पानी से आप स्नान कर लो तो शत्रु आके आपके सामने बात नहीं कर सकेगा ऐसा ही एक कंकन जो कलश को बांध कर आपके घर में रखना है और एक तिलक जो मैं उसके ऊपर दे रहा हूँ उस तिलक को आप धारण करें तो आपके आपके अगला वर्ष पूरा भी इसी प्रकार की कोई समस्या का
समस्या नहीं देगा और आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, आपको किसी प्रकार का कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। और जो भी साधना करने बैठे तभी उस तिलक को आप धारण करें और आप साधना संपन्न करें, आपको साधना का रिजल्ट मिल जाएगा, साधना की सफलता मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही प्रसन्न के बाद उसको प्रदान करूंगा। जो कंकड़ है आपके घर में एक कलश स्थापित करना है, उस कलश को कुंकण को बांध देना है, कलश में जल डालना है और वो जो तिलक है नारे रखिए, उस नारे के ऊपर उस तिलक को गंदगी तक जला देना है और जो मैं मंत्र बोलता हूँ उसको पांच मारा करनी है और उस कलश में जल को उसके बाद दूसरे दिन या उसी दिन रात में घर में छिड़क देना है और आप उस कलश के जल से स्नान करो। आपके घर में कितने भी लोग हो सब लोग उस जल का उपयोग कर सकते हैं और उस कलश को कंकड़ को बांध के रखो अगले वर्ष तक। और वो जो तिलक है आपको जो भी कष्ट होगा उस तिलक को धारण कर लेके जाओ, आप सारे कष्टों का समाधान, कितना भी तीव्र बीमारी आपके घर में क्यों हो उस तिलक को धारण करो, वो तीव्र बीमारी हट जाएगी। वो ऐसा ही कष्ट करें और ऐसा ही एक कंकण और एक तिलक मैंने क्या किया है जो हवन के बाद होगा, हवन 9 बजे आरम्भ होगा और 11 बजे शाम हो जाए, जिससे जो कोई आपने कोई भी कुंड में इंपोर्शन किया हो, मैं जो मंत्र बोलूंगा उस मंत्रों का सार है वो सारे देवताओं का मंत्र एक ही मंत्र में है और उसके साथ अहुल होगी चावल तेल शक्कर धूम गेहूं और घी से आहुति होगी। तीनों ब्राह्मण है आपको आहुति करवाएंगे 9 बजे के बाद, आप वो आहुति करें और उसके बाद मेरे पास आए, मैं आपको उस तिलक का और उस मंत्र का उदाहरण, उस मंत्र को कल सुबह 9 बजे के बाद यही आ जाइए, मैं आप सभी को मंत्र प्रदान करता हूँ और संकल्प देता हूँ और वो संकल्प लेकर 9 बजे के बाद हम आ सकते हैं। अभी समय हो रहा है, नए वर्ष का आगमन हो रहा है, हम आगमन से पहले ब्राह्मणों से कहता हूँ कि इस कलश के जल को सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क दे, आप इस कलश के जल को आपके साथ भी ले जा सकते हैं और उसके बाद जहाँ आगे पशाम की बड़ी हो जाए तो बड़ी दो होगी, उसके बाद आरती होगी, आपको प्रसाद काटा जाएगा और 9 वर्ष का आगमन होगा। 9 वर्ष के आगमन में पंडित जी है और सब लोग हैं, यहाँ आप एक भजन गाएंगे, भजन गाने के बाद हम समापन कार्य करेंगे। पहले कलश के जल को आपके ऊपर छिड़क दिया जाएगा, उस कलश के जल को आपके ऊपर छिड़क देने के समय ब्राह्मण आपके ऊपर अभिषेक करने शुरू किया।